हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हुशीम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आप देखो, मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, 4:30 बजे है। कल शाम को जब मैं पानी देने गई थी मेरी प्लांट पे, मेरी एक हाइबिस्कस प्लांट पे थोड़ी सी अटैक हो चुका है, ठीक है, मिलीबग का अटैक हो चुका है। तो मुझे उसको हटाना है जल्द से जल्द, क्योंकि मिलीबग एक ऐसी इंसेक्ट है जो कि आपकी प्लांट देखने में भी बहुत ख़राब लगती है, और धीरे धीरे ये लगभग बहुत कम टाइम में ही आपकी पूरी प्लांट पे छा जाती है। तो मुझे इसको जल्द से जल्द इसको हटाना है। इसके लिए मैं जो सोल्यूशन मैं बनाऊँगी, बहुत ही आपके घर में, सबके घर में अवेलेबल है। आपको सिर्फ ये जो इनो है इसको ख़रीदना है, ये लगभग 2 रुपये में शायद मिलती है। और मैंने यह लिया लिया है, ये देखो, ये है सर्फ एक्सेल। आप किसी भी कंपनी की सर्फ का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत कम मात्रा में हमें करनी है। और ये सोल्यूशन जो बनाओगे इसको अपने ही रख सकते हो, बनाने के बाद ही आपको ये तुरंत ही अपने प्लांट पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनो का जो असर है वो लगभग 1-2 घंटे बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप इतना ही बनाओ जितना आपको ज़रूरत है, उसके बाद जब आपको लगे तो तब भी आप इसको बना सकते हो। ये सरसों का ऑयल ही हमें चाहिए, आप दूसरे कोई ऑयल नहीं लेना है आपको। ये इंजन ऑयल है, देखो इंजन ऑयल है, ये सरसों ऑयल है, मैंने इसको ही लिया है। और यहाँ मैंने पानी लिया है, यहाँ पानी 1 लीटर ही मैंने लिया है, क्योंकि मुझे सभी जितनी भी मेरी मिलीबग का अटैक हुआ है वो शायद 1 लीटर पानी में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। तो आप भी इतना ही लो जितना आपको ज़रूरत है, बाकी जब आपको चाहिए तभी आपको इसको बनाना है। तो मैंने यहाँ एक मग ले लिया है, इस पर मैं सिर्फ आपको दिखाती हूँ इसकी जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा अगर लोगे तो प्लांट जल सकती है। देखो, मैंने सिर्फ ये आधा चम्मच ही लिया है 1 लीटर पानी के लिए। पहले इसको मैं घोलना है हमें, उसके बाद मैं मिलाऊंगी ये ऑयल। ऑयल भी बहुत ही कम मात्रा में हमें लेना है। पहले हमें इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या करना है, ये जो मैंने लिया है यह बॉटल में, पूरी सॉल्यूशन की हूँ मैं इस बॉटल में ले लेती हूँ अच्छी तरीके से। देखो, अच्छी तरीके से हिला के उसके बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करनी है। जब आप ये सोल्यूशन डाल दोगे उसके बाद तुरंत ही आपको ये जो इनो है, इनो आपको लगभग आधा पैकेट ही इस पे डालनी है। देखो देखो, इसका असर शुरू हो चुका है। तो ये आधा पैकेट मैंने इस पे डाल दिया है, 1 लीटर में आप आधा पैकेट ही आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपने प्लांट पे जल्द से जल्द आप इसको स्प्रे कर दो। तो चलो, मैं इसको हिला के मैं लाती हूँ, स्प्रे करती हूँ। फ्रेंड्स, मिलीबग क्या करती है, अपने आप को बचाने के लिए वो चींटियों को अपनी तरफ खींचती है। उसके लिए वो अपने मुंह से एक मीठी तत्व निकालती है, जिससे कि नीचे चींटियाँ रहती है और जो मिलीबग है वो ऊपर रहती है। तो हमारे प्लांट को अगर हम जब भी स्प्रे करें, कोई भी लिक्विड का स्प्रे करें मिलीबग को हटाने के लिए, तो चींटियों को भी हटाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक मेरे घर पे ही जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, ये है हल्दी पाउडर, ये मैंने एक पॉट के लिए लिया है। अगर आप चाहो तो इसको बना के भी रख सकते हो, जो कंटेनर है कंटेनर पे। तो मैंने यह एक पॉट के लिए लिया है। देखो, मैंने यहाँ 2 चम्मच हल्दी मैंने ले लिया है, ये सिनेमन पाउडर है यानी कि जो दालचीनी पाउडर है, ये थोड़ी सी कर्पूर मैंने ले लिया है। देखो, थोड़ी सी 2 कर्पूर के टुकड़े को मैंने इस तरीके से पाउडर की फॉर्म में इस तरीके से कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ये। तीनों की खुशबू चींटियों को पसंद नहीं है, तो इसको भी जब भी आप मिलीबग को हटाने के लिए स्प्रे करते हो तो आपको नीचे भी पॉट पे भी इसका इस्तेमाल करना है, ताकि चींटियों को भी हमें भगाना होगा। चींटियाँ जितने देर तक रहेगी मिलीबग आएगी ही आएगी। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हमारे घर पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स देखो, ये मेरी हाइबिस्कस की प्लांट है जो कि देसी है। आप देख सकते हो इस पर कितने सारे मिलीबग का अटैक हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा है जब आती है मिलीबग, तो और देखो इस पर चींटियाँ भी है। तो चींटियों को भी हमें भगाना है, और इस डाल को ही मैं इस तरीके से तोड़ देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर होती है तो आपको ये पूरी इन्फेक्टेड हो गई है। तो इसको बहुत ज़्यादा जब होती है इसको आपको काट के फेंक देनी है। तो मैंने देखो इसको हटा लिया है, बाकी प्लांट पे ये अटक ना कर सके, इसके लिए मैं इस पर ऑयल का स्प्रे कर दूंगी।
पूरी पूरी प्लांट पे ही आपको अटैक जो स्प्रे है वो कर लेनी है। आपको देख देख के जहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उसको काट लेना चाहिए और बाकी पूरी प्लांट पे ही आपको नीम इसका स्प्रे इस तरीके से कर देनी चाहिए। बहुत जल्दी हट जाती है। और ये जो सॉल्यूशन है ये आपको लगभग देखो ये लगभग आपको हफ्ते में एक बार करनी है। इससे आपकी जो मिलीबग है अगर ना भी है तो भी आपकी प्लांट पे मिलीबग का अटैक नहीं होगा। सभी प्लांट पे ये आप कर सकते हो। देखो इस तरीके से पूरी प्लांट पे ही कर देनी है। और जब भी आप करोगे या तो शाम का टाइम होगा या फिर मॉर्निंग की टाइम होगी। एकदम सुबह को आपको करना है या फिर आपको ये जो सॉल्यूशन है ये आपको शाम को करनी है जब सूरज एकदम ढल जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मैंने ये लिया है इस मिक्सचर को मुझे यहाँ दे देनी है। कर्पूर हल्दी और ये जो दालचीनी की पाउडर है मेरे ख्याल से इससे चींटियों को ये पसंद नहीं है इसकी खुशबू। तो आप क्या करोगे इसको पूरी प्लांट पे ही अब इसको फैला दो। ऊपर की जितने भी घास फूस है उसको मैं हटा देती हूँ। उसके बाद आप उसको वाटरिंग कर दो। तो देखो 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 कितनी सारी चींटियाँ भी भाग रही है। तो चींटियों को भगाने के लिए ये सॉल्यूशन बहुत कारगर है। ये आप पूरी सबकी जितनी भी आपके पास प्लांट होगी सभी प्लांट पे इस सॉल्यूशन को आप दे सकती हो। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पे बने रहिए मेरे चैनल देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी रहिए खुश रहिए और चारों तरफ ग्रीन बनाइए। थैंक यू।